हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरिंदम गोस्वामी और मैं आज आप लोगों को कैलेंडर सिखाने वाला हूं। कैलेंडर का मतलब है कि हम लोगों को अगर किसी डेट के बारे में पूछना है, किसी ने पूछा, जैसे सपोज मान के चलो कि 2000 ईयर में आपको किसी ने पूछ लिया कि 15th में कौन सा डेट है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कौन सा डेट है, तो इनके लिए हम लोगों को मोबाइल का एप्स का कैलकुलेटर का या तो कैलेंडर का एप्स का हम लोगों को जरूरत पड़ता है। लेकिन आज के बाद आप लोगों को कोई भी एप्स का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई भी नहीं पड़ेगा, आप लोग तुरंत खड़े होकर आंसर बता सकते हो विद इन 10 सेकंड। तो इनके लिए 2-4 प्रोसेस है, सिर्फ सीखना है, फिर इसके बाद आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोलो या तो आप लोग जनरल पर्पस के लिए, ये सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप लोगों को बहुत ही आसान ट्रिक से हम लोग सिखाएंगे और विद इन 10 सेकंड, उससे भी कम, ज्यादा नहीं होंगे, पक्का प्रॉमिस, ठीक है, उससे भी कम समय में आप लोग ये को सॉल्व कर सकते हो। देखो इनके लिए कुछ मेथड है, जैसे हम लोगों को वीक के 7 डेज को सबने पता है क्या क्या है। जैसे मानते चलो कि संडे, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। देखो हफ्ते में 7 दिन हैं, इनको हम लोग क्या कैसे नंबर से, इनको नंबर से हम लोगों को डिनोट करना है। संडे को हम लोग वीक में देखना, संडे से हम लोगों को एक्चुअली स्टार्ट होता है, कैलेंडर में जब भी देखना संडे से स्टार्ट होते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 याद रखना, ये सीरीज याद रखना, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों को देख लेना है कि जैसे हम लोगों को ईयर में है ना, ईयर में एक 1 ईयर में क्या होते हैं, 12 मंथ है और उनके नाम क्या है, जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनके लिए कोड है सिंपल, ये तो याद ही रहेगा 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये हफ्ते के 7 दिन है, इनको सिर्फ एक ही कोड आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। जैसे क्या है याद रखना, 033 और ये 033 हो गया तो लास्ट का 3 डिजिट होगा 035, ये हो जाएगा 614 और 625। देखो ऐसे याद रखना 033 614 625 035, मैंने तो ये सेट में याद रखा है, जैसे 033 एक हो गया, फिर लास्ट का डिजिट है 035 और मिडिल में है 614 और 625, जैसे 6 है, 1 के बाद 2 है, 4 के बाद 5 है, ठीक है, ये याद रखना, बस ये जैसे हमने याद रखोगे ये कोड आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आएगा 2 ट्रिक्स में, जैसे आप लोगों को अगर किसी ने 1900 का पहले या तो 1900 टू 900 1999 तक पूछा है, ठीक है, 1900 से 1999 तक पूछा है, तो आपको इनके लिए क्या करना पड़ेगा, इस ईयर में लास्ट में जो 2 डिजिट रहेगा, 2 डिजिट इसको सिर्फ कैलकुलेशन में लेना है। जब आपका 2000 या तो 2000 से अबव, 2000 या तो 2000 से अबव किसी साल के बारे में पूछेगा, तब उस टाइम में आपको क्या करना है, याद रखना है कि आप लोगों को कुछ भी ईयर अगर पूछा 2012, तो इनसे आप लोगों को 1900 को माइनस करना है, 1900 को माइनस करना है, ठीक है, ये 2 ट्रिक्स है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो आप देखो क्या करना है कि कोई भी डे के बारे में आप लोगों को पूछना है, तो इनके लिए एक ट्रिक्स का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है डेट प्लस मंथ, ये मंथ क्या है, जो मंथ आपको क्वेश्चन में देगा उसका कोड, उसका सिर्फ कोड लिखना है, मंथ प्लस ईयर, ईयर का मतलब क्या है, जैसे 946 तो 900 में है, 1900 में है तो लास्ट का 2 डिजिट, जैसे 46, अगर आपको सिंपली उसके बाद 2000 में है, देखो अभी 2-4 प्रॉब्लम करेंगे तो आप लोगों को और भी सॉल्व हो जाएगा, ईयर प्लस लीप ईयर, जो ईयर आएगा उसमें कितने बार लीप ईयर आते हैं, लीप ईयर 4 साल के बाद एक बार आते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर मिलेगा, इसको समेशन टोटल को डिवाइड 7 से करेंगे, जो रिमेनिंग आएगा उस रिमेनिंग को देख लेंगे यहाँ पर कौन सा डे है, वही डे हमारा होगा, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा कोड का फॉर्मूला, आप देखो
देखो कैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जैसे सपोज मान के चलो कि 1947 में क्या है 15 अगस्त कौन सा डेट था हम लोग निकाल लेते हैं। ये 1947 में है, फॉर्मूला क्या है, डेट प्लस मंथ। डेट क्या है, डेट है 15, तो सिंपली 15 लिखो। मंथ क्या है, मंथ है अगस्त। अगस्त के लिए क्या है 0330614625, याद रहेगा ना 0336146 25। अगस्त कब आता है, 8 में आता है, 8 में आता है तो सिंपल क्या है 2, सिंपल क्या है 2, ठीक है, तो इनके लिए 2 बैठा। अब बात है क्या बोला मैंने, यार 1900 में है तो लास्ट का 2 डिजिट तो क्या है 47। अब बोला है मैंने कि उस ईयर में, इस ईयर में मतलब 47 ईयर में कितने बार लीप ईयर आते हैं, तो इसको सिंपली डिवाइड करो 4 से, डिवाइड करो 4 से, तो 4 11 जा सिंपली, ठीक है 4 11 जा 44, ठीक है आपके पास, तो कितने बार आपको लीप ईयर आता है 11 टाइम्स आपको लीप ईयर आते हैं, ठीक है लीप ईयर भी हो गया, इसको टोटली 7 से डिवाइड करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15 to 17 होंगे 17 और 17 हो गया आपको 54 64 75 हो गया, 75 डिवाइडेड 7 तो आपके पास रिमेनिंग कितना आएगा 7 1 7 और फिर आपके पास आएगा 5 आएगा आपके पास रिमेनिंग, 5 आएगा आपके पास रिमेनिंग। अब 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब क्या है फ्राइडे, फ्राइडे आप कैलेंडर खुल के देख लो या तो आप मोबाइल का एप्स खुल के देख लो, आप लोगों को 1947 15 अगस्त को फ्राइडे आएगा, ठीक है समझ में आया कैसे क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है 26 जनवरी 1950, ठीक है इनको भी देख लेते हैं ये कौन सा डेट है। सबसे पहले क्या है डेट, जनवरी के लिए क्या है 0 0, फिर क्या है आपको 50 50, लीप ईयर कितना आता है 12 टाइम्स आते हैं, सिंपली इसको 7 से डिवाइड करो, सिंपली है क्या है 26 प्लस 12 कितना है 26 प्लस 12 है 38 प्लस 50 है 88 डिवाइडेड 7 7 1 जा और 18 7 2 जा फिर आपके पास 4, ठीक है फिर आपके पास आएगा कितना बार आएगा लीप ईयर 4 7 10 7 12 जा होता है 84 हो गया 4 आपके पास रिमेनिंग आ गए। अब रिमेनिंग जब आ ही गया है तो 4 का मतलब क्या है 4 का मतलब क्या है 4 का मतलब है थर्सडे, तो देख लेना कैलेंडर खुल के ये होगा आपका थर्सडे, ये होगा आपका थर्सडे। ये तो हो गया 1947 का केस, ठीक है ये हो गया हमारा 1947 का केस। अब हम लोग देख लेंगे, अब सपोज आपको किसी ने पूछा है, किसी ने आपको पूछा है कि 2014 में, अब बताओ कोई भी सा भी डेट बताओ, जैसे 24 फरवरी क्या है कौन सा डेट है, ठीक है तो सिंपल आपको इसको कैलकुलेशन करना है क्या है 24। देखो कोड सबके लिए इक्वल आएगा, सिर्फ 2014 है तो इनके इनसे क्या करना पड़ेगा 1900 को माइनस करना पड़ेगा, ये याद रखना है, ठीक है और कुछ नहीं। तो 24 हो गया, फेब के लिए क्या है फेब के लिए 3 है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा आपको इससे 2014 से 1900 को माइनस करना पड़ेगा, जब भी 2000 ऊपर में चला जाएगा तो सिंपली ये हो गया 114, तो ये हो गया 114। आप देख लेना है कि 114 में कितने बार आपको लीप ईयर आते हैं, तो हो गया 2 और 3 4 फिर हो गया 420, तो 28 टाइम्स आपको लीप ईयर आते हैं, ये डिवाइडेड 7, ये डिवाइडेड 7, जैसे इसको डिवाइड 7 कर दोगे तो आपके पास जो रिमेनिंग बचेगा वो आपका डेट निकल के आ जाएगा, कितना आएगा 27 27 और 28 कितना होता है 55 55 और 114 और 55 कितना होता है 9 6 169 169 डिवाइडेड 7 कितना होता है 7 2 14 2 9 7 4 मतलब 1 आएगा रिमेनिंग, 1 आएगा आपका रिमेनिंग, और ये 1 का रिमेनिंग का मतलब क्या है मंडे, मंडे तो ये क्या आएगा, ये आएगा मंडे, ठीक है समझ में आ रहा है। देखो कितने आसानी से हम लोगों को पूरे कैलेंडर का डेट अब पता चल गया। अगर आपको सिंपली किसी ने पूछा है कि बताओ मुझे 2016 का 2 फरवरी क्या है, तो अब क्या करोगे, अब देखो याद करो कि ब्रेन में कैलकुलेशन करने का याद करो, ब्रेन में कैसे कैलकुलेशन करोगे, आपको पता है 2016 है और आपको क्या पूछा है 2 फरवरी, अच्छा 2 फरवरी मतलब है 2 और 2 के साथ क्या होगा फरवरी का कोड होता है 3, तो 235 हो गया। अब कितना है 2016 मतलब है 116, तो 116 प्लस 5 क्या हो गया 121 के साथ क्या करोगे 116 में कितने बार लीप ईयर आता है 116 में लीप ईयर कितने बार आता है
मतलब रिमेनिंग है टू, टू अगर रिमेनिंग है तो क्या हो गया आपके पास ट्यूजडे। कैलकुलेशन आपको ऐसी आसानी से हो जाएगा, आप याद मतलब एक बार प्रोसेस अगर आप सीख जाओगे तो आप आसानी से किसी भी टॉपिक को खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा कैलेंडर का किसी भी डेट निकालने का। आज के बाद देखना कभी भी आप लोगों को गलती नहीं होगा, किसी ने अगर आप लोगों को कैलकुलेटर से भी अगर आपने 2000 और या तो 2005 ईयर में जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, उससे तो 10 गुना स्पीड में आप लोगों को माइंड कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस अगर अच्छा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है। ऐसे आप लोगों को बहुत सारे और भी शॉर्ट ट्रिक्स मिलने के लिए आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल में अगर नया हो तो सब्सक्राइब करना है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ठीक है। आज की क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।